राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, एक तो भारत को बदनाम करते हैं, दूसरा भारत विरोधी तत्वों को सहयोग करते हैं। आज भारत में सिख रेजिमेंट है कि नहीं, सेना का सुरक्षित करते हैं ना? कितने हॉकी खिलाड़ी, बाकी खिलाड़ी सिख हैं कि नहीं? राहुल गांधी का वक्तव्य बहुत ही गैर जिम्मेदारना है, इर्रेस्पॉन्सिबल। और वो एक कांग्रेस के मेंबर हैं जो एंटी इंडिया अपने वक्तव्यों के लिए मशहूर हैं, आप उसके साथ भी घूम रहे हैं? राहुल गांधी जब भी विदेश जाएंगे तो भारत का अपमान करेंगे। क्या कह दिया आप, देखिए आरक्षण समाप्त कर देंगे, कभी नहीं होगा, राहुल गांधी जान ले आप। तो राहुल गांधी का काम ही है भारत को शर्मिंदा करना, भारत को अपमानित करना, भारत को गिराना और भारत विरोधी तत्वों के साथ मंच पर बैठना। ये उनकी सच्चाई है, ये देश को समझना चाहिए और हम देश को और कसकर बताने वाले हैं। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, एक तो भारत को बदनाम करते हैं, दूसरा भारत विरोधी तत्वों को सहयोग करते हैं। जैसा आप बता रहे हैं, सिख फॉर जस्टिस ने उनके बयान का समर्थन कर दिया। राहुल गांधी अब विपक्ष के नेता हैं, क्या क्या बोलते हैं? आज भारत में सिख रेजिमेंट है कि नहीं, सेना का सुरक्षित करते हैं ना? कितने हॉकी खिलाड़ी, बाकी खिलाड़ी सिख हैं कि नहीं? तो सेना के लोग ब्यूरोक्रेसी में हैं, खेल में हैं, आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, सीआरपीएफ में हैं, और आपने बोल दिया वो सुरक्षित नहीं है, पगड़ी पहनने का अवसर नहीं मिलता। तो यही तो वो बोल रहे हैं जो सिख फॉर जस्टिस वाले हैं। राहुल गांधी का वक्तव्य बहुत ही गैर जिम्मेदारना है, इर्रेस्पॉन्सिबल। और वो एक कांग्रेस के मेंबर हैं जो एंटी इंडिया अपने वक्तव्यों के लिए मशहूर हैं, आप उसके साथ भी घूम रहे हैं? आपको अमेरिका में कोई भारत का शुभचिंतक संसद का सदस्य नहीं मिला क्या, कांग्रेस का या सेनेट का? इतने मोदी जी जा रहे हैं तो 22 सितंबर को 24,000 हिंदुस्तानी सुनने आ रहे हैं। तो राहुल गांधी जब भी विदेश जाएंगे तो भारत का अपमान करेंगे। क्या कह दिया आप, देखिए आरक्षण समाप्त कर देंगे, कभी नहीं होगा, राहुल गांधी जान ले आप। संघ के बारे में बोल दिया कि संघ जो है महिलाओं के खिलाफ है, बिल्कुल भूल गए कि इतने संघ से जुड़ी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, रही हैं, बड़े बड़े पदों पर रही हैं। अब कुछ का कुछ बोलना, चाइना का प्रेम भी सामने आ जाता है कि चाइना ने भारत की जमीन दखल की हुई है, जबकि जो भी जमीन थी वो उनके नाना पराना के समय, नेहरू जी के समय हुई थी। और आज गलवान में भारतीय सेना ने जबरदस्त जवाब दिया मोदी जी की अगुवाई में। आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में टिकटॉक को बैन किया गया कि नहीं किया गया? 300 चाइनीज ऐप को बैन किया कि नहीं किया गया? ये देखते नहीं है? तो राहुल गांधी का काम ही है भारत को शर्मिंदा करना, भारत को अपमानित करना, भारत को गिराना और भारत विरोधी तत्वों के साथ मंच पर बैठना। ये उनकी सच्चाई है, ये देश को समझना चाहिए और हम देश को और कसकर बताने वाले हैं।